नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी लाइव क्लासेस की, ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि मैंने प्रमोशंस के लिए YouTube पे अपलोड किया है। आप चाहो तो हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, जैसे कि गो टू मीटिंग के जरिए अभी क्लासेस में दे रहा हूँ। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। हमारे साथ रुपेश जी एंड सनवाद जी हैं। सनवाद जी आई थिंक यूएई से है। तो रुपेश जी, सनवाद जी, हम आज की टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा रिकंसिलेशन। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डेटा रिकंसिलेशन। डेटा रिकंसिलेशन करने का मोटिव ये है कि मेरे पास दो डेटा है, राइट? और दोनों डेटा में अगर मान लीजिए कि कुछ चीज सिमिलर नहीं है तो क्या होगा, तो हम कैसे उसको लुकअप करेंगे, राइट? तो मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा बैंक से आया हुआ है और एक डेटा हमारा टैली का डेटा है। जैसे कि बैंक में हमारे पास जो अकाउंट नंबर दिया है और सिंपल ये है अकाउंट नंबर, राइट? सिंपल अकाउंट नंबर है जो कि आप देख रहे हैं। और दूसरा टैली का डेटा है हमारे पास, जिसमें जो अकाउंट नंबर है उसमें बैंक के नाम के साथ है, SBI 1101। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाम है ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। अब SBI के जगह पे HDFC भी हो सकता है, HDFC। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है कि करेंट अकाउंट है CA, और यहाँ पे PNB, या कोई ऐसे भी लिख सकता है कि ये हमारा सेविंग अकाउंट है। तो कहने का मतलब है कि पैटर्न नहीं है कि कहाँ स्टार्टिंग में है कहाँ लास्ट में है, तो कोई पैटर्न नहीं है जो कि हम लेफ्ट राइट मिड से लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बात ये होती है कि हमें इसकी सेल्स या इसकी सैलरी या पेमेंट को मुझे वेरीफाई करना है कि कितना पेमेंट है। जैसे सैलरी ही मान लीजिए, यहाँ पे सैलरी कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो क्या मेथड है, तो मैं चाहता हूँ इसको यूज करना। तो बेसिकली हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे फोर इच लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, फोर इच लूप या फोर लूप। तो प्रॉब्लम यहां पे होती है कि हमारे पास जब डेटा ज्यादा हो तो हम प्रेफर करते हैं, जब हमें चेक करना है तो हम प्रेफर करते हैं फंक्शंस क्रिएट करना। हम माइक्रो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइक्रो क्रिएट करना सही नहीं रहेगा। हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो करें या फंक्शन करें, कोडिंग तो सबका सेम ही होता है। तो हमने यहाँ पे एक इंसर्ट किया मॉड्यूल को, और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिया आरा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं, माधव जी का हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। दोनों बताऊंगा आपका मैं, फंक्शंस पहले फंक्शन समझाता हूँ फिर सब्जेक्ट समझाऊंगा। फंक्शंस मैच वी के नाम से हम बनाते हैं, और हमने बोला कि एन एज ए वेरिएंट, इसकी जो एन इनपुट होगी वो वेरिएंट होगी, और दूसरा आर एज ए रेंज रेंज होगा, और कॉमा सी एज ए इंटीजर।
तो तीन इनपुट देने का यहाँ पे मतलब ये है कि हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला MV का, तो पहले जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट, माफ कीजिएगा, हम यहाँ नहीं, हम बैंक से इसमें करेंगे, क्योंकि अब बैंक से उस पर सर्च करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टैली में तो अधूरा है ना, पूरा नहीं है ना, इसलिए। तो हमने यहाँ लगाया मैच, मैच नहीं MV है ना, MV इसको सिलेक्ट किया और डेटा में गए, हमने पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा हमने बोला एक कॉलम जो है उसी का लेना है। तो जो A2 हमने यहाँ सिलेक्ट किया, A2 असाइन हो गया N के ऊपर, R यहाँ पे जो हमने रेंज दिया वो रेंज सेट हो गया R के ऊपर, क्योंकि R को हमने रेंज माना हुआ है। और सी जो है हमारा जो वन लिखा वो सी हो गया। अब यहां पे हम लूप देंगे कि फोर एच नहीं, हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा के, कि डिम के एज ए रेंज, और यहां पे लूप लगाएंगे कि फोर एच के इन आर, और यहाँ पे इक्वल तो मैच हो नहीं सकती, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करें, तो बेसिकली हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है जिसमें हम काउंट इफ का फॉर्मूला होता है कि इसमें हम मैच कर सकते हैं इस तरीके से कि 1101। तो ये आपको काउंट दिखा देगा मैच करेगा तो सेम ऐसे ही करते हैं कि के इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, एप्लीकेशन के थ्रू लगाने के है इसलिए है क्योंकि काउंट इफ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो हमने बोला कि के अंदर हमने बोला स्टार, और स्टार के साथ कॉनकेटेनेट कर दिया किसको, एन को, अगेन फिर कंडीशन होगा कि इफ के इज ग्रेटर देन 0 देन, यहां होगा MV इक्वल टू के डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में रो 0 होगा और सी कॉलन होगा उसकी वैल्यू, और यहां पे एग्जिट सब खत्म कर देना मैक्रो को, जो रिजल्ट मुझे मिल गया तो, एंड एंड इफ नहीं तो फिर वापस चले नेक्स्ट आए। तो यहां पे हम जब लगाएंगे फॉर्मूला MV, देखिए लगा दिया, एंटर मारेंगे, एग्जिट सब नॉट अलाउड, अच्छा माफ कीजिएगा, एग्जिट सब जो है नहीं होता है, एग्जिट फंक्शन जो है वो अलाउ होता है इसके अंदर में। तो हमारा रिजल्ट आपके सामने यहां दिख जाएगा, वैल्यू के नहीं, यहाँ पे पी करना है और यहाँ पे पी करना है। नेक्स्ट पी, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट पी पी करो नहीं सर। होगा, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे पी को डिफाइन करना पड़ेगा कि डिम पी एज ए, हमने बोल दिया इंटीजर, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आ गया ना सर। अब देखिए क्या यस हुआ कि ये क्या कर रहा है कि इस नंबर को यहाँ एक एक
के अंदर चेक कर रहा है, जितना भी सेल्स उसके के अंदर। बट क्या है कि इक्वली तो मैच नहीं हो सकता है, इसलिए इक्वली मैच ना करके एक क्या कर रहा है कि काउंटिफ करके यहाँ पे लाइक कमांड, मतलब कि कंटेन कर रहा है, उसके बीच में हुआ तो मैच कर जाए। क्लियर है सर? यस लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें बैंक से टैली में मैच करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं टैली से बैंक में मैच करना, टैली से बैंक में मैच करना। तो प्रॉब्लम इज दैट कि कैसे मैच करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे टेक्स्ट भी है क्या। तो हमें कुछ हाँ ऐसा फॉर्मूला निकालना होगा जिससे मुझे पता चले कि इसमें सिर्फ नंबर अलग हो, ओनली फोर नंबर, राइट। तो हमारे पास एक फिक्स का फॉर्मूला होता है, फिक्स। फिक्स में अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में मान लीजिए कि टैक्स और नंबर दे दिया तो क्या शो होगा? MSG बॉक्स। मैं एक बार इसको ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, टाइप मिसमैच नहीं देगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ऐसी बीवीए में जो कि सिर्फ नंबर को एक्सट्रैक्ट करती है। अब मैं फॉर्मूला थोड़ा सा उसका नाम भूल रहा हूँ, तो हम गूगल बाबा की सहायता ले लेते हैं थोड़ा सा। वीवीए फंक्शन लिस्ट, टेक होम द नेट साइड में है। इन दोनों में से कोई हो सकता है, STR, मतलब ये तो कन्वर्ट करता है एंड वैल्यू। हाँ वैल, तो इसमें अगर मैंने लिखा दिया यहाँ पे MSGVL वैल, और यहाँ पे मैंने कर दिया SB पर्टिकुलर नंबर इन द इन्वर्टेड कॉमा, और मुझे MSG बॉक्स मैं चेक करना चाहता हूँ एक बार, 0 MSG बा, एक मिनट, नहीं, वैल जो है अगर 123 SB लिखा हुआ है तो अलग करता है। पूरा 32 अभी भी जाता ना, देखिए 123, समझे? लास्ट का कोई नंबर ये शो नहीं करेगा। तो मुझे मुझे क्या करना होगा कि ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जो कि इसमें से टैक्स को रिमूव करके सिर्फ फॉर्मूला को शो करे, राइट। सर। तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए उस केस में फंक्शन बनाते हैं। फंक्शंस, जो मैंने फंक्शन सोचा था वो नहीं काम कर रहा है। रिमूव नंबर RN के नाम से और N एज ए स्ट्रिंग हमने एक फॉर्मूला ले लिया। फिर मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू चले 58 to 127। और हमने 58 to 127 क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ, रुक जाइए। और यहाँ पे हो जाता है यू इक्वल टू एन,
और हमने बोल दिया कि यू इक्वल टू रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर में आ जाएगा हमारा यू, तो यू किससे करना, किसको करना है, तो सी एच आर आई किससे करना है, तो ब्लैंक से, और लास्ट में आर एन इक्वल टू यू वैल्यू, वैल्यू में कन्वर्ट करके देखिए, यानी वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यू कर दीजिए और इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ कि एज ए लॉन्ग। अब बोला जी ये क्या है, तो बेसिकली क्या है कि अभी आप फॉर्मूला लिस्ट में खोल रहा था तो आप यहां देखेंगे एक फॉर्मूला यहां पर है एस सी आर। एस सी आर क्या करता है, स्काई वैल्यू रिटर्न करता है कि जो भी टैक्स अगर डालेंगे ए बी सी डी कुछ, जैसे डब्ल्यू डाला तो उसका 87, ठीक है ना, एक्स डाला तो 120, ऐसे इनका एक स्काई टेबल है जो कि आप यहाँ इस पे क्लिक करके किया तो मुझे दिखा। तो इसमें एक स्काई टेबल मैंने चेक किया कि 33 से लेके 47 तक हमारा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर कैरेक्टर है, एंड 48 से लेके 57 तक हमारा नंबर है, एंड 58 से लेके 127 तक हमारा कोई ना कोई नंबर है, समझ गए। तो मैं यहां पे कुछ ऐसा करना चाहता हूं, तो इसमें तो मैंने 48 से या 58 से कर दिया, बट प्रॉब्लम है कि ए स्पेशल करेक्टर भी रिमूव करना चाहिए था हमें। तो हमने यहां पे क्या किया हुआ है कि आई को चलाया और मैंने बोला सी एच आई कैर फॉर्मूला होता है, मतलब कि नंबर को कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी टेक्स्ट है उसको ब्लैंक से रिमूव कर देना, ठीक है। तो मैं यहां पे 33 रन कर दिया, या फिर मैं इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहीं पे पेस्ट एक और लूप चला देता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ लेकिन मैं एक और लूप चला देता हूँ कि 33 से क्या है 47, 47 47 एंड द लास्ट में हो, तो इससे हो गया। अब बाकी जो है ये फंक्शन जो है दिख रहा है आपको, ये फंक्शंस लगाते समय हम इसका ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे लगाएं मैच वी एम वी, और एम वी के अंदर में जो डालें तो उसको क्या करें हम, उसको हम यहाँ पे रिमूव आर एन के अंदर रिटर्न नंबर और इसको सेलेक्ट कर लें एंड कॉमा बैंक में गया और इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा वन। ओके एन दो दो है ना, यहाँ भी एन है, तो एक साथ दो फॉर्मूले रन कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो एम एन कर देते हैं और इसको भी यहाँ एम एन कर देते हैं। ओह इसमें कुछ दिक्कत हो गया, इसे डिफाइन करना पड़ेगा, डिम यू एज ए स्ट्रिंग। इतना तो नहीं होता था सर, इसमें 4 I I दो बार लगा लो, यहाँ ये रिप्लेस करना पड़ेगा ना, 4 K या कुछ करना पड़ेगा ना, दूसरा जो नीचे लग रहा है नहीं, उससे ऊपर भी दिक्कत, 4 I उससे इक्वल कोई टू दिया हुआ है, दिक्कत नीचे नहीं 4 I है, इक्वल टू दिया उससे हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि ये लाइब्रेरी में वेरिएंट नहीं कर रहा है,
अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है, हो जाता है कभी कभी। ये फॉर्मूला वर्क क्यों नहीं कर रहा? CHR ही है ना? ASC CHR, ये देखिए ना यहाँ पे CHR होता है, रिटर्न द लेक्चर सर। नंबर में कन्वर्ट करता है। लूप में वही लगा हुआ है जो आपने लूप लगाया मैं ऊपर वाला भी कंफर्म सेम ही है एक सर। मिनट में इसको, या तो फिर अलग वर्कबुक पे ले लीजिए इसको। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। CHR को इसने कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है। ये आपके सिस्टम में चल जाएगा, मेरे सिस्टम में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दोबारा से फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। वो ऑब्जेक्ट को, लाइब्रेरी को सर्च ही नहीं कर पा रहा है। कोड एकदम 100% सही है। मैं आप लोगों के फाइल भेज रहा हूँ, आप लोग इसको अपने पीसी पर ट्राई करके देखिए, ठीक है?